पे ना अपने एक इंडियन को अभी 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 वो बाहर ही है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। लूट के ले गए, मोटरसाइकिल भी उसका छीन के ले गए और पैसे भी उससे छीन लिए मतलब। तो अभी वो बाहर है, लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं उसके आसपास, तो मैं उसे अभी बुला के लेके आता हूँ क्योंकि स्कूटर नहीं है उसके पास। तो कल मैं और एक मॉल में गए थे, अपने पास वाले यहाँ पे कैथरीन काम करती है, तो वो जो शॉट मैंने वहाँ पे दो शॉट लिए थे अपने जो वीडियो के, वो डिलीट हो गए। पता नहीं ले नहीं हुए या डिलीट हो गए, समझ में नहीं आया मुझे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। अभी मैं कैथरीन को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ काम पे, एकन कह रही है मुझे भी साथ में जाना है, तो मैं इसे अभी साथ लेके जा रहा हूँ। ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। सत श्रीकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम, मेरा नाम उपी गरेवाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो एक बंदा है यार, वो लगातार मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करता रहता है। वो बोलता है कि यार तुम मास्क नहीं पहनते हो। यार मास्क मैं हमेशा पहनता हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, उस टाइम के लिए ऐसे टेम्परेरी इस तरह से थोड़ा निकाल लेता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मैं मास्क नहीं पहनता हूँ, समझ रहे हो ना। तो वो मतलब एक ही बंदा है, उसके काफ़ी बार कमेंट देख रहे हैं मैंने, कम से कम 5-6 बार देख ले होंगे अलग अलग वीडियो के ऊपर। तो मास्क भाई मैं हमेशा पहनता हूँ, लेकिन जब वीडियो बनाता हूँ मेरी आवाज़ क्लियर जाए इसलिए हमेशा मैं मास्क को थोड़ा उतार देता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। चलिए कैथरीन, दिस इज ओन। मैं अपना हेलमेट यार भूल गया, इसलिए वो एंगल नहीं बना पाया रास्ते में। कैथरीन जा रही है अभी अपने काम पे। हाँ तो आज क्या यार, ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। और मुझे ऐसा लगा था कि मतलब थोड़ा नॉर्मल सा मौसम हो जाएगा, ठंड जैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, बारिश बहुत तगड़े लेवल पे हुई। उसके कुछ टाइम के बाद ही, मतलब आधा घंटा बाद ही, फिर वही कड़कती हुई धूप निकल आई। तो फिर वही हालात हैं, गर्मी है यार, और पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना गर्मी काफ़ी है, काफ़ी फील हो रही है। मतलब नहीं तो यहाँ पे मौसम ठीक ठाक सा रहता है, मतलब ऐसे ठंड तो चलो होती ही नहीं है, लेकिन गर्मी भी बहुत तगड़े लेवल वाली नहीं होती। लेकिन ये पिछला 1-1.5 हफ्ता बड़ा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी। उसके बाद मैं और एकन गए थे, हम कई दिनों से मैंने अपना जो अपना इंजन ऑयल है अपने मोटरसाइकिल का, वो चेंज नहीं किया था। तो फिर हम दोनों गए इंजन ऑयल चेंज करवाने के लिए, वो करवाया। उसके बाद एकन की कुछ दवाई वगैरह लेनी थी, वो लेने के लिए गया। और सिर्फ वो बारिश का ऐसा था कि थोड़ी बहुत हो जाती है, फिर बंद हो गई थी, फिर हुई हल्की फुल्की, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बाहर बनाया ज़्यादा। तो दिन वैसे अच्छा है, हो सकता है कि रात तक एक आध बार फिर बारिश हो जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो अच्छी बात है यार, काफ़ी गर्मी है इन पिछले कई दिनों से। सारे काम निपटाने के बाद आज एकन जो है रो रही थी लगातार कि मुझे साथ में ही लेके जाओ, तो मैं साथ में लेके आया हूँ। ये पीछे अभी मोबाइल पर लगी हुई है, आराम से लेटी है, वैसे अच्छी बात ये है। तो अभी मैं, कैथरीन और एकन जा रहे हैं कैथरीन की कज़न के घर में। वैसे मेरा अकेले का प्लान था, लेकिन अभी हम तीनों जा रहे हैं। और इसे देखो क्या, एकन को इसकी फेस शील्ड। हाँ हाँ वाह। तो कैथरीन की जो कज़न है वो रहती है क्यापो में, तो यहाँ हमारे घर से लेके वहाँ तक है तकरीबन 30 मिनट का रास्ता, लेकिन मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते क्योंकि एकन है हमारे साथ, तो बस में जा रहे हैं। एकन हाय। वो एक तो इसकी फेस शील्ड ने इसका बुरा हाल कर रखा है, एकन को लग गई है प्यास। और यहाँ से वहाँ तक जाने में सिर्फ 30 मिनट का रास्ता है। वैसे हम दोनों ने प्लान किया था कि मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, लेकिन ये रोने लग गई, बोलती है मेरे हमारे साथ ही आना है। और यहाँ पे अगर बच्चे को बीच में बैठा के हम लेके जाते हैं तो रास्ते में अगर वो पुलिस वाले रोक लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पता ही आपको, ठीक है। तो इसलिए हम बस में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं क्यापो में,
और कैथरीन की जो कज़न है वो यहाँ पे आएगी, तो अभी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दो चार फोटो यहाँ पे ले लेते हैं। Use your mask. Don't fly. You got it. Bye, Kavi. तो मैंने सोचा कैथरीन थोड़ा इंतज़ार कर रही है क्योंकि उसकी कज़न आ रही है यहाँ पे बाहर, और मैंने सोचा अंदर से आपको व्यू दिखा देता हूँ उतने टाइम में। तो अंदर भाई बड़ा कूलिंग का माहौल है लेकिन बाहर बड़ी गर्मी है, और ये देख लो नवंबर है, मतलब क्या बताऊँ यार कितनी गर्मी है। तो कैथरीन यहाँ पे बैठ के आराम से खा रही है, हम अंदर घूम के आए हैं। यू कैन ड्रिंक ना माउंटेन ड्यू। तो ये रही कैथरीन की कज़न, अभी हम लोग इनके घर में जा रहे हैं और बाकी का ब्लॉग सीधा घर जाके कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अभी अभी आया था दुकान पे, और यहाँ पे ना अपने एक इंडियन को अभी 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 वो बाहर ही है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ, लूट के ले गए, मोटरसाइकिल भी उसका छीन के ले गए और पैसे भी उससे छीन लिए मतलब। तो अभी वो बाहर है, लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं उसके आसपास, तो मैं उसे अभी बुला के ले के आता हूँ, क्योंकि स्कूटर नहीं है उसके पास, तो अगर मैं छोड़ देता हूँ मतलब इधर उधर, तो अभी अभी लूट के लेके गए हैं उसे। वैसे तो कैमरा है अपने यहाँ बाहर, तो शायद पकड़ा जाए, लेकिन मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे पकड़ा कोई जाता नहीं है वैसे। चलो मैं भी उसके पास जा रहा हूँ। हाँ तो सीन कुछ ऐसा है, थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ आएगी, ये जो स्कूटर मोटरसाइकिल जा रहे हैं तो उसे इग्नोर करना। और अभी अभी मैं बाहर गया था और उस बंदे को मिल के आया हूँ, और उसका स्कूटर जो है वो सेफ था, स्कूटर चोरी नहीं हुआ, जस्ट वो लड़की बोल रही थी कि उसका स्कूटर लेके भाग गए, तो स्कूटर नहीं चोरी हुआ। तो उसके पास जो पैसे थे, होता है कि 8,000 के आसपास पैसे थे, तो वो ले लिए, और उसके पास स्मार्टफोन था जो उसने सीट के नीचे रखा था, तो जब भी वो मतलब मोटरसाइकिल लेके निकल ही रहा था तो सीट ओपन की हुई थी पैसे रखने के लिए, तो वो स्मार्टफोन भी उन्होंने देख लिया, वो भी निकाल लिया, और उसका 8,000 पैसों, तो कह सकते हैं कि 14-15,000 का उसका नुकसान हो गया। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो साइड वाला कैमरा जो है ना यहाँ पे पास में, तो पहले वो फुटेज देखो मैं, क्योंकि वहाँ पे गया था हमने, फुटेज निकलवाई वो देख लो। तो तो जो अभी आपने फोटो देखी या थोड़ी सी वीडियो देखी, इसमें प्रॉपरली नहीं पता चलता फेस, क्योंकि एक तो हेलमेट पहने हुए हैं, ऊपर से मास्क पहने हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है। और साइड वाला कैमरा है, जो पीछे वाला कैमरा है उसकी फुटेज मैं शाम को निकलवाऊंगा, आगे वाला आगे से कोई भी कैमरा इस सीधे रोड के ऊपर नहीं है। लेकिन पैसे छीनने के बाद जब वो जिस साइड में वो मुड़े हैं ना, उस साइड से लोग बोल रहे हैं कि उस साइड में फ्रंट से कैमरा भी है, तो वो फुटेज मैं शाम को निकलवाने की कोशिश करूंगा उधर के कैमरे की। और ये जो पीछे वाला कैमरा है ये तो हमारे बिल्कुल फ्रंट में है, लेकिन वो अभी बंद किया हुआ है, लॉक है, इसलिए वो पीछे वाली फुटेज अभी तक निकलवाई नहीं है। मैं कोशिश करूंगा दोनों फुटेज को निकलवाने की। और इन फुटेज से कुछ होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फेस कवर है उन लोगों के, और स्कूटर की कोई नंबर प्लेट नहीं है पीछे से, तो पता नहीं क्या इसका मतलब रिजल्ट होगा। और आगे की और पीछे की फुटेज मैं शाम को निकलवाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग भी देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में डाल दूंगा। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो अगर आप नहीं कमेंट करोगे तो नहीं डालूंगा। तो ये अभी एक मतलब हादसा हुआ है अभी अभी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताता हूँ। चलो एक बात की अच्छी है कि स्कूटर नहीं उसका लेके भाग गए, नहीं तो इसी रोड के ऊपर ये मुझे एक लड़की बोलती है कि पहले भी एक मुंबई का स्कूटर भी लेके भाग गए थे, पैसे चलो ले लिए, मोबाइल भी जो था छीन लिया, स्कूटर भी ले लिया था उसका। तो इसका अच्छी बात ये है कि इसका स्कूटर नहीं छीना, सिर्फ पैसे लिए हैं और उसका मोबाइल लिया है,
तो है तो सैड न्यूज़, लेकिन होता रहता है यहाँ पे। तो ये थी एक न्यूज़। तो चलो, तो ये ब्लॉग वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है और मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना। तो कल मिलेंगे नई वीडियो में। बाय।